नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और मैं मानसी तिवारी के भारत और के भारत की टीम की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। पुलिस लगातार सड़कों पर मुस्तैद, देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर एसीपी चौक आईपी सिंह के नेतृत्व में थाना चौक पुलिस टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। बम निरोधक दस्ता के साथ इंस्पेक्टर चौक विश्वजीत सिंह, रूमी गेट चौकी प्रभारी ज्ञानेश कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ बड़ा इमामबाड़ा मल्टीलेवल पार्किंग में चेकिंग की। इस दौरान पार्किंग में खड़े वाहनों की जानकारी ली गई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर उनकी तलाशी भी ली गई। इसके साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों को कोविड 19 के नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई। बुलंदशहर में 72वें गणतंत्र दिवस की परेड, देखिए बुलंदशहर से संजीव भटनागर की ये खास रिपोर्ट। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बुलंदशहर पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यमंत्री अनिल शर्मा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम से पहले परेड ग्राउंड को तरह तरह की रंगोली बनाकर और फुलवारी लगाकर सजाया गया। चारों ओर गणतंत्र दिवस की धूम मचाने के लिए तिरंगा का रूप दिया गया, जबकि अतिथियों के बैठने के लिए अलग से बेहतर व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ ही यहां परेड की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं बुलंदशहर में जिलाधिकारी और एसएसपी के ध्वजारोहण करने के बाद अन्य विभागों में ध्वजारोहण किया गया। लखनऊ के मेयो अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के मेयो अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, बता दें कि मेयो अस्पताल में गलत खून चढ़ाने से एक नवजात शिशु की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला ने 4 दिन पहले ही 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। परिजनों और अस्पतालों में भर्ती कई मरीजों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया है, यहाँ पर मनमाने पैसे ना देने पर धमकी देते हैं और बंदी बना लेते हैं। अपने मरीज को घर ले जाने के लिए परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं। गाजीपुर में प्रखर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, देखिए गाजीपुर से इकरार खान की ये खास रिपोर्ट। गाजीपुर के दिलदार नगर में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रखर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह है। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कुल 188 लोगों को सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में सम्मान पाने वालों में जमानिया क्षेत्र के IAS, PCS, वैज्ञानिक, पुलिस सेवा से जुड़े हुए लोग, शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले, पशुपालन कृषि के साथ ही अन्य कार्यों में रुचि लेकर कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करके उत्साहवर्धन करने का कार्य किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि समाज को बनाने के लिए सभी को एक सूत्र में पिरोना पड़ता है। ऐसे में जिन्होंने अपने कार्यों से देश में नाम रोशन किया हो, उनका सम्मान कर अपने इलाके का मान सम्मान बढ़ाना होता है, क्योंकि ये लोग जहां भी रहेंगे वहां पर अपने इलाके का नाम बुलंद करेंगे। ऐसे में यह सम्मान उन लोगों का सम्मान नहीं, बल्कि यह सम्मान अपने इलाके का है, जहां की माटी के लाल ने अपने विद्या से अपने माटी का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। देखिए इस पर क्या कहना है पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह का। ना पड़ता है समाज को बनाने के लिए सबको इसी तरह पिरोना पड़ता है। हम लोगों ने भाई मन्नू सिंह और पार्टी के लोगों ने तय किया कि चंद्रशेखर फाउंडेशन के तहत इस इलाके को तमाम उन विभूतियों का जिन्होंने समाज में और देश में नाम रोशन किया है उनको हम सम्मानित करें। उसी में तीन तीन चार चार IAS के पिताजी परिवार, दो दो PCS, तीन तीन लड़के, जज की बेटी, जज स्वयं मास्टर की बेटी, हरकेश सिंह जैसे आदमी जो BHU का टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हों, भाई शानंद जी जो कमीशन से पास करके जहाँ चंद्रशेखर जी पढ़ के पास हुए वहाँ पढ़ाने का काम मिला, और तमाम खिलाड़ी और साथियों ने ये काम किया। तो ये इन बातों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये काम हम जब भी हम अपने कॉलेज में जब वार्षिक फंक्शन कराए तो इस इलाके में जितने अच्छे कार्यक्रम कराने वाले हो सबको मैंने सम्मानित किया। मेरे नेचर में जो अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा काम करने वाला है, जो UDA है, जो सचिवालय में काम करने वाला, जो मास्टर अच्छा है, जो इंटर कॉलेज में टीचर है, जो अच्छे खिलाड़ी है, जो अच्छे समाज सेवी है, मेरी परंपरा में रही है। मैं बचपन से जब BHU में मैं फंक्शन करता था होली मिलन, जो बच्चा टॉप करता था, जिसको अच्छी नौकरी मिलती थी, मैं उसको सम्मानित करता था। और ये सम्मान करने से ऐसा नहीं है, उनको एक ताकत मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक रोशनी मिलती है। आप इतने पत्रकार साथी हो, बड़े लोग हो। संबल में छात्रा को बनाया गया एक दिन का जिला पंचायत राज अधिकारी, देखिए संबल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की ये खास रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण को सार्थक करते हुए जनपद संबल के जिला पंचायत राज अधिकारी ने
एक फैसला लेते हुए जनपद की रहने वाली छात्रा गुंजन त्यागी को एक दिन के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। इस विषय में जब मीडिया ने छात्रा गुंजन त्यागी से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब मैं इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर यह जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। इसके बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वह जानती हैं कि जिला पंचायत राज अधिकारी का क्या कार्य होता है, तब उन्होंने बताया कि ग्रामों में शौचालय का निर्माण कराना व प्रधानों द्वारा ग्राम पंचायत में किए जाने वाले कार्यों की निगरानी जिला पंचायत राज अधिकारी करते हैं। वहीं उन्होंने जनता को संदेश देते हुए कहा है कि प्रधानों को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ पूर्ण करनी चाहिए। देखिए इस पर क्या कहना है एक दिन की जिला पंचायत राज अधिकारी गुंजन त्यागी का। क्या नाम है आपका? आज आपको यहाँ पर बैठाया गया, आप पद पे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बार ऐसे मिली है। तो आपको कुछ जानकारी है क्या कार्रवाई? नहीं ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बट जितना अभी पढ़ा है कि मतलब शौचालय बनाते हैं और ये पंचायत के बनवाते हैं, जैसे प्रधान विधान होते हैं उनके उनका खर्चा बताते हैं और जो सड़कें बनवाते हैं। और क्या जानकारी है जनता के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस जो प्रधान होते हैं उन्हें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए, जैसे कि गांव में शौचालय बहुत अच्छे से और साफ सफाई करानी चाहिए और जो नल होते हैं वो भी अच्छे से मतलब करवाने चाहिए और बहुत सारे कार्य मतलब अपने जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छे से निभानी चाहिए जो भी। आज आप इस पद पर बैठे हो, एक दिन के लिए बैठे हो आज, आप तो क्या कार्रवाई कराएंगे आप? जैसे किसी गांव में शौचालय नहीं बने हैं, शौचालय बने हुए हैं और टूटे हुए हैं, हाँ, तो उनकी पहले मरम्मत हो ये सुनिश्चित करेंगे और तब अच्छे मतलब। जिलाधिकारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की ये खास रिपोर्ट। आज बेटियां किसी मायने में बेटों से कम नहीं है, बस उन्हें अवसर देने की जरूरत है। उक्त विचार आज अफीम कोठी में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने चाइल्ड लाइन व महिला कल्याण विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए व्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की कम होती संख्या के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करना है। उल्लेखनीय है कि गर्भ में लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है, जिसके तहत लिंग चयन व किसी प्रकार का विज्ञापन देने पर 3 वर्ष तक की कैद तथा 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार यह अपराध करने पर यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा तथा दोषी चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त करने का प्रावधान है। चाइल्ड लाइन की इस जागरूकता गाड़ी को प्रतापगढ़ के पूरे शहर में घुमाया गया, जिसमें भगवा चुंगी रेलवे स्टेशन, गाजी चौराहा, घंटाघर चौक से होकर सदर मोड़ होते हुए अजीत नगर आदि स्थानों पर लोगों को कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संदेश दिया गया। शहर के विभिन्न स्थलों पर अपने जागरूकता अभियान में चाइल्ड लाइन के निदेशक नसीम अंसारी ने बताया कि 2011 की जनगणना के आधार पर जिले का लिंगानुपात 1917 है, जिसमें सबसे कम रानीगंज तहसील का लिंगानुपात है जो बेहद चिंताजनक है। जिलाधिकारी के निर्देशन में आयोजित इस रैली के माध्यम से चाइल्ड लाइन व महिला कल्याण विभाग द्वारा जिले में गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने की एक सकारात्मक पहल की जा रही है, ताकि लिंग आधारित भेदभाव को खत्म किया जा सके। रैली के दौरान उन्होंने चाइल्ड लाइन 1098, वीमेन पावर लाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112 और एम्बुलेंस सेवा 102 व 108 के बारे में बताया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शत्रुघ्न वैश्य, मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार पांडे, जिला प्रोवेशन अधिकारी रण बहादुर वर्मा, चाइल्ड लाइन प्रतापगढ़ के केंद्र समन्वयक कृष्णकांत राय, चाइल्ड लाइन 1098 टीम से अभयराज, मेहताब खान, आजाद आलम, सौरभ सहित जिले के अनेक अधिकारीगण मौजूद हैं। बदायूं के उसहैद थाना क्षेत्र के गांव रिजोला में शिव मंदिर पर चल रही भागवत में चले लाठी डंडे। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की ये खास रिपोर्ट। बदायूं के उसहैद थाना क्षेत्र के गांव रिजोला में शिव मंदिर पर चल रही भागवत में अचानक से दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के अनुसार बताया जा रहा है कि कुछ लड़के अपने मोबाइल से भागवत में बैठी लड़कियों की फोटो खींच रहे थे, जिनका गांव के लोगों ने मोबाइल छीन लिया। इसी बात पर दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग घायल हो गए। किसी ग्रामीण ने इस झगड़े की वीडियो बना ली जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उधर थाना अध्यक्ष चेतराम वर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो मिल गया है तथा जांच की जा रही है, यह कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया।
ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।